आज एक बुरी खबर पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंची थी। अविनाश और जोया पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें खबर ये मिली थी कि पास के जंगल के गसवानंद गांव में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है। अविनाश और जोया जब गसवानंद गांव में पहुंचते हैं तो वहां हर घर में लाशों को पाते हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उस गांव में जिंदा बचा हो सिवाय एक बच्चे के। अविनाश उसको देखता है और अपने पास बुलाता है। अविनाश और जोया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे, कौन कर सकता है ऐसी हैवानियत वाला काम? इस गांव में कोई भी नहीं बचा जोया, सिवाय इस बच्चे को छोड़कर। मैं इसे अकेला यहां तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, हम इसे घर ले जाते हैं जब तक इसके माता पिता के बारे में पता ना चल जाए। अविनाश और जोया उस बच्चे का नाम आरव रखते हैं और उसे घर ले जाते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि गसवानंद गांव का हत्याकांड आरव के रोने के कारण ही हुआ था। अविनाश और जोया अपने दो करीबी दोस्तों को बुलाते हैं, शिल्पा और मोहित। अविनाश और जोया आरव के बारे में दोनों को बताते हैं कि वो आरव को अडॉप्ट कर चुके हैं। क्या? That's crazy, सच में? क्या बात है, आज से तो मेरे दो दोस्त बड़े हो गए हैं, बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, वाह। शिल्पा और मोहित आरव से मिलते हैं जो 7 साल का था। शिल्पा को उसे देखकर कुछ अजीब तो लगता है। शिल्पा देखती है कि उसकी आंखों में दो दो पुतलियां थीं। अविनाश और सोया शिल्पा और मोहित को बाहर छोड़ने आते हैं और उनके साथ बाहर आरव भी आता है। तभी रास्ते में ही आरव के पैर में कांटा चुभ जाता है और वो रोने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, इतनी चोट तो लगती रहती है। अविनाश आरव को चुप करा रहा था। शिल्पा टैक्सी पकड़ने के लिए रोड पर थी। तभी एक तेज ट्रक आता है और वो शिल्पा को उड़ा देता है। शिल्पा! शिल्पा उसी जगह पर अपना दम तोड़ चुकी थी। ट्रक वाले की भी मौत हो जाती है। मोहित आश्चर्य में था, अविनाश सोच में पड़ गया और अपने बेटे आरव की ओर देखने लगता है। इन सब घटनाओं के कारण आरव और रोने लगता है। मोहित शिल्पा को देखने के लिए सड़क पर ही खड़ा था कि तभी पास का बिजली का खंभा मोहित के ऊपर गिर जाता है। अविनाश समझ जाता है और जोया से कहता है, जोया, आरव को अंदर ले जाओ, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है। एक साथ इतनी घटनाओं के कारण अविनाश और जोया समझ चुके थे कि ये आरव ही है जिसके कारण इतनी मौतें हो रही हैं, क्योंकि गसवानंद हत्याकांड में किसी भी मौत का स्पष्ट कारण नहीं था। इतनी सारी घटनाएं एक जगह पर ही इशारा कर रही थी, काला साया। और ऐसी घटनाएं अब अविनाश और जोया के साथ भी घटी। इस कारण अविनाश समझ गया था कि ये आरव ही है जो लोगों की मौत का कारण बन रहा है। अविनाश, जैसे ही आरव ने रोना शुरू किया वैसे ही प्रहलाद और मोहित के साथ ये सब घटना घट गई, तो हो सकता है इसके पीछे आरव ही है। हमें इस बारे में पता लगाना होगा। अविनाश और जोया पूरा ध्यान देते हैं कि आरव ना रोए। वो दोनों गसवानंद गांव में आरव के पुराने घर जाते हैं ताकि वो ये जान सकें कि आरव के रोने से लोग क्यों मर रहे हैं। घर में घुसते ही उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। वहां कई सारी काली गुड़िया पड़ी हुई थी। आरव अपनी दादी के साथ रहा करता था। वो दोनों घर में छानबीन करने लगते हैं कि शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। तभी जोया को लकड़ी का एक संदूक दिखाई देता है। जोया उस संदूक को खोलती है और देखती है कि उस संदूक में खोपड़ियां रखी हुई हैं और एक पत्र है। उस पत्र को जोया बाहर निकालती है और पत्र के पहले पन्ने पर, रोने मत देना वरना मौत आ जाएगी। जोया पत्र को पढ़ना शुरू करती है। इस पत्र में मैं अपनी गलतियों को लिख रही हूँ, इतनी बड़ी गलती जिसके कारण मेरा बेटा और बहू दोनों चल बसे। हर दिन मैं बूढ़ी होती जा रही थी, उम्र के साथ मेरी कमर झुकती जा रही थी। मैं बुढ़ापे में मरना नहीं चाहती थी। गांव में मैं काला जादू किया करती थी। तभी मुझे किताब में एक रस्म के बारे में पता चला।
जो मुझे बुढ़ापे से जवान बना देगी, जो मेरी हड्डियों में जान एक बार फिर भर देगी, जो मेरे चेहरे को फिर से खिला देगी। मगर उस रसम में मुझे कुछ ऐसा त्यागना होगा जो मेरे काफी करीब है। तभी मैं सोच रही थी कि मुझसे सबसे ज्यादा करीब कौन है। अगर मुझे फिर से जवान होना है तो मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी। एक दिन मेरा बेटा और उसकी बहू घर आए। माँ, आप ये काला जादू करना कब छोड़ेंगी? आज फिर से आप ये काले जादू की किताब खोल कर बैठ गई हैं। माँ, आपको काला जादू करने की क्या जरूरत है? अपने पास दो वक्त का खाना और रहने के लिए छत भी है। तुम दोनों ठीक कहते हो। उस दिन तो मैंने अपनी किताब बंद कर दी, मगर एक दिन मेरा बेटा और बहू रात के समय बाहर गए हुए थे और आरव मेरे साथ घर में अकेला था। एक बार फिर मैंने वो किताब खोली और रस्म की तैयारी करना शुरू कर दी। अपने संदूक में से खोपड़ी निकाली, उसे रस्म के बीचों बीच रख दिया और अपने अंगूठे को खंजर से काट कर खून खोपड़ी पर चढ़ा दी। कई सारी काली गुड़िया मैंने वहां पर रखी हुई थी। अब बस मुझे आरव की बलि चढ़ानी थी। मैं मंत्र पढ़ रही थी, मगर बीच में ही आरव रोने लग गया। दादी, क्या कर रही हो? आरव के रोने से रसम टूट चुकी थी और मैंने एक काले साए को आरव के अंदर जाते हुए देखा। आरव और जोर से रोने लगा और एक भूकंप गांव में आया और मैंने देखा कि सब मर चुके थे। पूरा गांव मर चुका था। रसम गलत होने के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया था। मेरा बेटा और बहू भी मर चुके थे, क्योंकि वो भी इसी गांव में थे। ये सारी गलती मेरी ही थी। ये कहानी जो भी पढ़ रहा है, मेरा पोता जब भी रोएगा, कोई ना कोई मौत के घाट चढ़ जाएगा। अगर इसे रोकना है तो पहाड़ पर जाकर काले जादू वाले तांत्रिका से मिलना होगा। वही उपाय बता सकती है कि कैसे आरव को ठीक कर सकते हैं। ये खत पढ़ते ही जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सारी बातें जोया अविनाश को भी बताती है, जिसे अविनाश सुनने के बाद जोया से कहता है, चलो हमें पहाड़ पर जाना चाहिए और जाकर उस तांत्रिका से मिलना चाहिए, इससे पहले कि और जाने जाएं। अविनाश और जोया आरव को लेकर उस पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसके अंदर एक तांत्रिका बैठी हुई थी। जैसे ही वो लोग तांत्रिका के पास पहुंचते हैं, तांत्रिका अपनी आंखें खोल लेती है। ये बच्चे को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये बच्चा शापित है। अगर ये रोया तो हम सब मर सकते हैं। हम जानते हैं तांत्रिका जी, इसलिए हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इसका श्राप कैसे टूटेगा। हम और मासूमों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। इस बच्चे की बलि चढ़ने वाली थी, मगर इसने रोकर रसम भंग कर दी थी। अगर इसका श्राप तुम्हें तोड़ना है तो बलिदान देकर ही इसका श्राप टूटेगा। किसी को अपने ऊपर इस बच्चे के श्राप को लेकर अपनी बलि देनी होगी, तभी यह श्राप टूट पाएगा। तांत्रिका, क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। तुम इस बच्चे को मार दो तो ये मौत का खेल रुक जाएगा। वैसे भी इस बच्चे के कारण पूरा एक गांव का सफाया हो चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम। ये मेरा बेटा है। आप बस वो रसम बताइए, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बच्चे की दादी की किताब पर लिखी वस्तुएं लो और उस किताब के मंत्र को पढ़ो। उसमें सारी बातें लिखी हैं। अविनाश और जोया आरव को लेकर घर आ जाते हैं। वो लोग घर आकर डिसाइड करने लगते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। इसकी दादी के कारण आज इस बच्चे को भी दर्द झेलना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। तुम वो किताब साथ में लाई हो? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ये सब सुनकर आरव को बहुत बुरा लगता है। पापा, क्या मैं बुरा हूँ? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। बुरे तो ये दुनिया के लोग हैं, जो लालची और स्वार्थी हैं। जोया किताब लेकर आती है, जिसमें कई सारी रस्में लिखी हुई थी। अविनाश
परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अविनाश, हम क्या करें? जैसे सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही तुम दोनों भी खिलो। मैं रात के चांद की तरह चमकूंगा तुम्हारे मन और ख्याल में। मैं तुम लोगों को मरने नहीं दे सकता। चलो सोया, रसम शुरू करते हैं। मैं अपनी जान दूंगा, अपना और आरव का ख्याल रखना। वो दोनों आरव को लेकर फिर से उस गांव में जाते हैं और उसकी दादी के रखे खोपड़ियों और काली गुड़ियों को वैसे ही रखते हैं जैसे उसकी दादी रखा करती थी, और रस्म को शुरू करते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आरव ऊपर वाले की देन है हमारे लिए। ध्यान से सुनो सोया, जब ये रस्म खत्म हो जाएगी तब इस किताब को जला देना और आरव को लेकर कहीं दूर चली जाना। अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। एक साया आरव से निकलकर अविनाश में जाता है। अविनाश की मृत्यु हो जाती है और वो भाप की तरह गायब हो जाता है। पापा को मार दिया, मैंने पापा को मार दिया, पापा चले गए हमें छोड़कर। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, तुम्हारे और मेरे अंदर। वो आरव का श्राप अपने ऊपर लेकर खुद की बलि दे देता है। जोया उस किताब को जलाकर आरव को वहां से ले जाती है। अविनाश का बलिदान परिवार के प्रति प्यार दर्शाता है। अविनाश जैसा दिल हम सबके पास होना चाहिए, और जोया और आरव हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान की खामोश जमीन पर एक ताजी कब्र दिखाई दे रही थी। उसके पास तंत्र मंत्र का सामान रखा था और उसके बीच रजनी बैठी हुई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से दुनिया से नहीं जाने दूंगी, तुमको वापस आना ही होगा। तेज हवा से उड़ते हुए सूखे पत्तों की आवाज बार बार उसके कानों से टकरा कर शांति को भंग कर रही थी। और कभी कोई कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगता। उसने अपने पास रखी एक थाली से कपड़ा हटाया। इस थाली में एक काले रंग का मुर्गा था। उसने मुर्गे को उठाया और दूसरे हाथ से चाकू उठाकर खच से उसकी गर्दन उड़ा दी। उस मुर्गे का खून टप टप कब्र के ऊपर गिरने लगा। कुछ देर बाद कब्र के ऊपर की मिट्टी अपने आप ऊपर उठने लगी और एक बच्चे का हाथ कब्र से बाहर निकला। कुछ दिनों के बाद मयंक अपनी बहन मनीषा के साथ अपने शहर को लौटा। मेरा भी तुम्हारे बिना हर एक पल मुश्किल से कट रहा था। अरे, ये दीपू कहाँ है? वो तो मुझे वेलकम करने भी नहीं आया। वो अपने कमरे में है। लगता है दीपू मुझसे नाराज है। ये कहकर मयंक दीपू के कमरे की तरफ चला गया। दीपू इस समय अपने बेड पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। उसका जरा भी ध्यान अपने पिता पर नहीं था। ये दीपू को क्या हो गया है? पिछले 2 महीने में हमारे दीपू में थोड़े बदलाव आए हैं, आप चिंता मत कीजिए। रात 11 बजे तक सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मनीषा भी अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे दीपू की आवाज सुनाई दी। पिशाच पते बलम देही में, पिशाच पते बलम देही में। ये आवाज तो दीपू की लग रही है। वो अपने बेड से उठी और कमरे से बाहर निकली। आवाज दीपू के ही कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे दीपू के कमरे की तरफ बढ़ती गई। दरवाजे पर पहुंचने पर उसे दीपू की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। दीपू, इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो बेटा? दीपू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देख उसका सर चकराने लगा। दीपू अपने आसपास कई मोमबत्तियां जलाकर जमीन पर बैठा था। उसके सामने ही एक बड़ा सा काला पक्षी, जो कि कोई चील समझ आ रही थी,
बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी और जिस तरह उससे खून निकल रहा था वैसे ही दीपू के होठों पर भी खून लगा हुआ था, मानो दीपू ने उसका खून पिया हो। हे भगवान! तभी दीपू ने उसको गुस्सैल नजरों से घूरा। दीपू का चेहरा इस वक्त एकदम सफेद दिख रहा था, जैसे वो कोई मुर्दा हो, और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। अगर मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो जिस तरह इस पंछी का खून पिया है वैसे ही तुम्हारा भी पी जाऊंगा। ये सुनकर मनीषा का दिल दहल उठा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर उससे निकलने वाली चीख को दबा दिया और भागकर अपने कमरे में पहुंची। उसने फटाक से दरवाजा बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज तेज चल रही थी। उसने खुद को संभाला और बेड पर अपनी चादर ओढ़कर लेट गई। सुबह के समय जब ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मनीषा थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। मनीषा, क्या हुआ, तुम इस तरह चुप चुप क्यों हो? इस पर उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो कुछ नहीं भैया, कल की मीटिंग के बारे में सोचकर थोड़ी टेंशन हो रही थी। टेंशन मतलब सब हो जाएगा। अरे रजनी, ये दीपू अभी तक क्यों नहीं उठा? अरे उठ जाएगा, आप शुरू तो कीजिए। दीपू बेटा आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला है। उसकी बात सुनकर दीपू अपने कमरे से निकला और किसी से बिना कुछ बोले ही कुर्सी पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग बेटा दीपू। इस पर दीपू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मनीषा को देख रहा था, जो पहले ही रात वाली बात से डरी हुई थी। दीपू, तुम भी खाना शुरू करो। ऐसा कहते हुए मयंक ने उसके आगे सैंडविच की प्लेट सरका दी, लेकिन दीपू ने उसे छुआ तक नहीं। हो गया मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट तैयार। रजनी ने उसके सामने एक डिश रख दी। दीपू ने उस डिश से ढक्कन हटाया तो उसके अंदर चिकन रखा हुआ था। दीपू ने झट से लेग पीस उठाया और खाने लगा। ये देखकर मयंक हैरान रह गया। ये दीपू तो मीट की स्मेल से भी दूर भागता था, ये कब से मीट खाने लगा, वो भी ब्रेकफास्ट में? इसे नजर मत लगाइए आप, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, ये तो अब तीनों टाइम मीट ही खाता है। दीपू का बदला बिहेवियर और ऊपर से रजनी का इन सब बातों को लाइटली लेना मयंक को बहुत ही अटपटा लग रहा था, और मनीषा तो पिछली रात से ही शोक में थी। दोपहर के टाइम मनीषा रजनी की खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। रजनी कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी और मनीषा प्याज काट रही थी। मनीषा के दिमाग में अभी भी दीपू की ही बातें घूम रही थी, इसीलिए ध्यान न रहने की वजह से उसकी उंगली पर एक कट लग गया और उससे खून निकलकर शर्ट पर टपकने लगा। अरे मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। ये कहकर रजनी किचन से बाहर निकल गई और अगले ही पल दीपू वहां पर आ गया। उसे देखकर मनीषा डर गई। वो मनीषा की कटी उंगली को बड़े ही अजीब ढंग से देख रहा था। मनीषा उससे डर कर अपने कदम पीछे ले रही थी और वो आगे कदम बढ़ाते हुए शेल्फ के करीब पहुंच गया, वहीं जहां पर मनीषा का खून गिर रहा था, और मनीषा के गिरे खून को चाटने लगा। ये देख मनीषा का दिल दहल गया और वो तेजी से वहां से भाग निकली। दीपू उस सारे खून को चाटने लगा और उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी। मनीषा मयंक को ये बात बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। वो शाम होते ही अपने कमरे में गई और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे की दूसरी तरफ उसे दीपू की भयानक आवाज सुनाई दी। बुआ, आपका खून मैंने जब से चखा है मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे आपका खून जी भर के पीना है।
ये सुनकर मनीषा का शरीर थर थर कांपने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को दबा लिया और आंसू बहाने लगी। लॉन में मयंक अभी भी अपने बच्चे दीपू के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है मुझे दीपू को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो इतना चुप चुप तो नहीं रहता था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रजनी मुझसे कुछ छिपा रही है। रात के तकरीबन 11 बजे मनीषा गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। कुछ देर के बाद उसे लगने लगा कि उसके हाथ को कोई काट रहा है। उसने आंख खोली तो पाया कि दीपू उसके सिरहाने बैठा है और वो मनीषा की उंगली से खून चूस रहा है। दीपू, छोड़ो मुझे। मनीषा ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा। बुआ, आपका खून और मांस दोनों बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मनीषा के मुंह से दर्द भरी एक चीख निकल गई। ये तो मनीषा की आवाज है। मयंक और रजनी मनीषा के कमरे में पहुंचे और वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उनके दिलों में खौफ उभर आया। दीपू का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मनीषा बेड पर पड़ी तड़प रही थी। हे भगवान! मयंक ने आगे बढ़कर मनीषा को उससे बचाना चाहा। मयंक और रजनी मनीषा को लेकर कमरे से बाहर निकले और उन्होंने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। मयंक अब रजनी को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। अब बहुत हो गया, हमारा बच्चा एक शैतान कैसे बन गया? बोलो, क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? अब रजनी ने हिम्मत करके मयंक को सच्चाई बतानी शुरू की। 2 महीने पहले आप मनीषा के साथ बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। आपके जाने के बाद अगले दिन दीपू कुछ बच्चों के साथ खेलने निकला था। बच्चे खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गए और दीपू का एक कार से एक्सीडेंट हो गया। उसकी वही मौत हो गई और मुझे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। मुझे ये भी होश नहीं था कि आपको और बाकी रिश्तेदारों को कॉल करके दीपू की मौत की खबर दूं। दीपू 5 साल की उम्र में मरा था, इसलिए मोहल्ले वालों ने ये तय किया कि उसके शरीर को एक चिता में नहीं जलाया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। उन्होंने दीपू को जब दफन कर दिया तब मैंने थोड़ा होश संभाला। मैंने कच्चा कलुआ साधना के बारे में बहुत पढ़ा था। उसके जरिए हम किसी भी बच्चे को जिंदा कर सकते हैं और उससे अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने ही बच्चे पर ये साधना की और उसे जिंदा कर दिया। लेकिन जिंदा होने के बाद दीपू में बहुत बदलाव आए, जिसके बारे में आप जान ही चुके हो। विधि के हिसाब से कच्चा कलुआ एक ना एक दिन आपके बस के बाहर जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मयंक की आंखें हैरानी से फट पड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दीपू को वो अपना बच्चा समझ रहा था, वो असल में एक कच्चा कलुआ था और उसे ऐसा बनाने वाली उसी की माँ थी। वो कुछ कह पाता तभी कमरे का दरवाजा खुला। दीपू सामने से आया और मनीषा पर झपट पड़ा। छोड़ मनीषा को। बुआ, मुझे और खून चाहिए। आपका खून पीकर मेरी प्यास और बढ़ गई है। मुझे और खून चाहिए। वो मनीषा की गर्दन पर काटने की कोशिश कर रहा था। मनीषा की आंखें ऊपर को चढ़ी जा रही थी। तभी मयंक की नजर घर के मंदिर पर पड़ी। उसने शेरावाली माता का त्रिशूल निकाला और तेजी से कच्चे कलुए की कमर में गाड़ दिया। वो भयानक तरीके से चीखता हुआ मनीषा से अलग हुआ और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मुझे बचाओ, मम्मी, पापा, मैं आपका दीपू। उसकी आवाज बहुत ही भयानक थी और इन दोनों ने भी अपने दिल को अब मजबूत कर लिया था। इन्होंने मान लिया था कि ये उनका दीपू नहीं,
कच्चा कलुआ है। ये दोनों इसको तड़पते हुए देखते रहे। कुछ ही समय में उसने पूरी तरह दम तोड़ दिया और उसका शरीर किसी मिट्टी के पुतले जैसा अकड़ गया। उन्होंने बाहर ले जाकर उसे घर के पीछे मैदान में गाड़ दिया और फिर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उस दीपू को याद करके जो कभी उनके कलेजे का टुकड़ा हुआ करता था।